तो हम चालू करते हैं फर्स्ट प्राइमर से। प्राइमर मैंने एलोवेरा जेल लिया है, मैंने वाओ का लिया है। आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके पास जेल रखा हो, एलोवेरा जेल या प्राइमर जो भी है आप वो लगा सकते हैं। इससे ओपन पोर्स क्लोज हो जाते हैं, स्किन सॉफ्ट हो जाती है और बहुत क्लियर हो जाती है, तो इसलिए हम ये लगाते हैं। मैंने थोड़ा जहाँ जहाँ मुझे ऑयल थोड़ा ज़्यादा आता है मैंने वहाँ लगाया है, और डैप डैप करके पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन पे अच्छे से कर देना है। और इफ़ यू थिंक ये थोड़ा सा स्टिकी या वेट हो तो गिव इट 2 सेकेंड्स, 2 to 5 सेकेंड्स, और वो अपने आप एकदम से मैजिकली ड्राई हो जाए। जस्ट मेक श्योर हर जगह लगाएं, आईज नेक बिल्कुल ना छोड़ें, सब जगह इसको कवर करें। फिर आते हैं हम करेक्टर पे। आई एम गोइंग टू यूज़ रेड करेक्टर। मैं यहाँ रेड करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। रेड करेक्टर हम यूज़ करते हैं जितना भी हमें ब्लैक ब्राउन जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उनके लिए करते हैं। तो मुझे पिगमेंटेशन हैं वहाँ मैंने लगाया, डार्क सर्कल हैं वहाँ मैंने लगा लिया है, ये ऊपर इनर कॉर्नर्स जो है मेरी आईज़ की वो भी थोड़ी सी डार्क है, मैंने वो लगा लिया है। जहाँ जहाँ फेस पे डार्किश लगता है वो हम ये रेड करेक्टर लगा लेते हैं। और फिर मैंने एक ब्यूटी स्पंज लिया है, उसको पहले गीला कर लेंगे, स्क्वीज कर लेंगे पूरा, उसको स्क्वीज कर फिर उसको डैप डैप मोशन में सर्कुलेट करके ब्लेंड करना है हमें। जस्ट मेक श्योर आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करें उसे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है पर मैंने बहुत डिटेलिंग वीडियो बनाई है, कुछ भी चीज़ कट नहीं है, क्रॉप नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी जेन्युइन, जो है यही है। कैन यू सी जो मैंने रेड करेक्टर थी वो भी बहुत स्मूथली ब्लेंड हो चुका है। अब हम रेडनेस को कट करने के लिए हम लोग हमारा लाइटर शेड का कंसीलर लेंगे। आई हैव अ कंसीलर पैलेट, जो भी मेरा फेस टोन से थोड़ा सा जो लाइटर शेड है मैं वो लगाऊंगी। स्पेशली जहाँ जहाँ रेड करेक्टर लगा है उस जगह तो हमें लगाना ही है कंसीलर, जैसे अंडर द आई। जहां भी आपको पिगमेंटेशन हो आप वहां लगा सकते हैं रेड करेक्टर, उसके ऊपर फिर हम लोग को कंसील लगाना कि रेडनेस कट करने के लिए। अब आप कहेंगे मैंने फॉरहेड पे क्यों लगाया, जस्ट टू हाईलाइट दैट पॉइंट, इसलिए मैंने कंसीलर वहाँ लगा लिया है नोज़ पे और फॉरहेड पे, एंड जस्ट ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। हमें ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है, हम जितना नीटली ब्लेंड करेंगे उतना ज़्यादा फ्लॉलेस हमारा मेकअप होगा। और बेसिकली इस मेकअप की खासियत ये है कि ये आप कोई से भी फेस्टिवल पे कर सकते हो, ये ऑलमोस्ट सबके साथ मैच हो जाता है। मेरी लिपसिंग इग्नोर कर देना, मैं गाना सुन रही थी इसलिए लिपसिंग आ रही है। ऑलमोस्ट सारी जितनी भी रेडनेस थी मेरे फेस पे वो मैंने कट कर ली है, कंसील कर ली है अच्छे से।
अब मैम मैक का फाउंडेशन ले रही हूँ, आप कोई सा भी फाउंडेशन या बीबी या सीसी क्रीम ले सकते हैं। एज यूजल डॉट डॉट करके लगाएंगे और कम लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कंसील कर चुके हैं सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा वाइटिश लगेगा। और वही फाउंडेशन लें जो आपकी स्किन टोन से मैच करे। एंड जस्ट ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। आइस को बिल्कुल ना छोड़िए, आइस को भी हमें कवर करना है क्योंकि हम प्राइम कर चुके हैं उसे, कंसील कर चुके हैं उसे। मैंने लिप्स को भी थोड़ा सा डैप कर दिया है, कंसील हो जाएगा थोड़ा सा एज अ फाउंडेशन से, तो उसका जो लिप कलर जो हम लगाएंगे वो बहुत नीटली निखर कर आएगा। अब मैंने ले लिया है NYB की कंटोर स्टिक द शेड टॉफी। कंटोर स्टिक हम फेस को कट करने के लिए लगाते हैं जहाँ से हमें उसे पत्ता दिखाना होता है, तो बेसिकली वो थोड़ा सा चिन पर आता है जो हमारा प्रॉपर व्हील एरिया आता है और चीक साइड आता है, नोज़ कंटोर की जाती है और ऊपर से फॉरहेड अगर आपका बहुत ज़्यादा सर्कुलर या बड़ा फॉरहेड है तो उसको थोड़ा सा छोटा और क्लियर दिखाने के लिए। अगेन ब्यूटी स्पंज, ध्यान दीजिएगा कंटोरिंग में हमें स्पंज को अपवर्ड्स लेकर जाना है टू द ईयर्स, ईयर्स तक ऊपर लेकर जाना है उसे और ब्लेंड करना है डाउनवर्ड्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो आप उसको बेकिंग जो पाउडर, जितना भी हमारे पाउडर्स होते हैं कोई सा भी कॉम्पैक्ट लेकर उसको उस बेक कर लें और फिर उसको रिमूव कर लें 10 सेकेंड बाद। तो मैंने एक और टिप बता दी आपको। अब आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा स्लिम लगता है कंटोर करने से चेहरा। एंड जस्ट ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड। ध्यान रखिएगा नोज कंटूर को ऊपर नहीं नीचे की साइड करना है, नीचे की तरह अगर हम लोग उसे डैप करेंगे तो वो नीचे साइड थोड़ा सा स्ट्रोक देगा। अब नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट पाउडर ले लो, लूज पाउडर ले लो। मैंने कॉम्पैक्ट लिया हुआ है लैक्मे का, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट वेरी यूज टू, मुझे बिल्कुल इससे अच्छे से लगाना नहीं आता है। जस्ट एक जो बिगनर्स हैं या जो जिनके पास ब्रशेस नहीं है वो ऐसे बिल्कुल ईजली कर सकते हैं। जिनकी ऑयली स्किन है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगा कर चले तो हम वाइप आउट कर देंगे लास्ट में। टू गेट फाइनल फिनिशिंग आई एम टेकिंग ब्रश, आई एम वेरी कन्वीनियंट, आई एम वेरी ईजी टू यूज फॉर मी, जस्ट राउंड एंड राउंड एंड राउंड। देन नेक्स्ट आई एम टेकिंग पेंसिल, जस्ट मेक श्योर आईब्रो बनाने के लिए ब्लैक नहीं ब्राउन पेंसिल यूज़ करते हैं हम, और पहले मिड से स्टार्ट करके एंड तक जाते हैं फिर स्टार्टिंग का करते हैं। पेंसिल लेंगे कवर करेंगे एंड हियर इज योर आईब्रोज रेडी।
मैंने ये स्पूलर ले रखा है, उससे थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। इफ आई थिंक यार लाइंस दिख रही है तो स्पूली बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। स्पूली से मैंने ये छोटा सा स्मॉल ब्लेंडेबल ब्रश लिया हुआ है। एंड हेयर्स कम द आई शेडो। आप कोई भी चाहते हैं आई शेडो के लिए तो ऑलवेज यूज वॉर्म कलर्स। वॉर्म मतलब लाइट ब्राउन, लाइटेस्ट ऑरेंज। ऐसे मैंने यहाँ लाइट, जितना जो लाइट से लाइट हो सकता था वो लाइट ब्राउन लिया है एज अ बेस ऑफ माइन। आप देख सकते हैं मैं सर्कुलर मोशन में उसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप ये जो छोटा वाला ब्रश है उससे आप उसे लगा सकते हैं एंड देन यू कैन टेक सम फ्लफी ब्रश एंड देन ब्लेंड, तो वो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा। आई एम जस्ट फाइंडिंग वेयर इज माय, यस दिस वन। एंड इसे ब्लेंड करना बहुत इजी होता है। थोड़ा सा मीडियम साइज़ कह लीजिए इसे या लार्ज साइज, उसे ब्लेंड कर लीजिए तो एक बेस बहुत क्लियर हो जाएगा हमारा। अब आपको थोड़ा और क्लियरली दिख रहा होगा, मैंने जूम इन करा हुआ है। ये हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे। अगेन स्मॉल ब्रश एंड टेकिंग द डार्कर आई शेडो। प्रॉपर ब्राउन, डार्क ब्राउन ले सकते हो आप इनर कॉर्नर्स को शेप देने के लिए। हम छोटे से ब्रश का यूज़ करेंगे, उसको अच्छी तरीके से लाइन अप कर देंगे। कैन यू सी दिस? एंड अगेन थोड़ा सा बड़ा ब्रश लेंगे एंड जस्ट ब्लेंड एंड ब्लेंड एंड ब्लेंड। बहुत अच्छे से हमें ब्लेंड करना है। लाइंस नहीं दिखनी चाहिए कि नहीं यार लाइन दिख रही है, नहीं ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ब्लेंडिंग इज़ वेरी गुड। लाइक ब्लेंडिंग ही आई शेडो में मस्ट होता है। एंड नाउ आई हैव टेकन ऑरेंज कलर लाइक स्टार्टिंग टू मिड में ऑरेंज आ रही हूँ, और जो साइड वाला है वो डार्कर था तो मैंने ऑरेंज ले लिया है। एंड अगेन मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। जस्ट बहुत अच्छे से उसे ब्लेंड करना है कि जो डार्क ब्राउन है और ऑरेंज है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। लाइंस नहीं दिखें कि यार देयर इज अ डिफरेंस कि यार ये रह गया या लाइंस प्रॉपर दिख रही है, ऐसा। अगेन मुझे लगा इसमें थोड़ा सा लाइट कलर लाइट जा रहा है, डार्क नहीं है, तो थोड़ा सा अगेन मैंने डार्क ब्राउन ले लिया और एक क्रीज बना दी। नाउ आई हैव टेकन ब्रॉन्ज कलर ले लो आप या गोल्डन कलर का ग्लिटर जो है वो मैंने लिया, क्योंकि फेस्टिवल ओकेजनली पे ग्लिटर इज लाइक मस्ट हो जाता है। थोड़ा सा मैंने इनर कॉर्नर साइड्स लगाया है। आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा ये किसी भी ड्रेस पे एथनिक पे चल जाएगा। जैसे बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा मैं सबसे पहले लिपस्टिक ही लगा लूँ। तो यूनिवर्सल फेवरेट रेड है इसलिए रेड लगाई है।
आप अपनी साड़ी से मैचिंग भी लगा सकते हैं या जो आप पे सूट करे, पर इस लुक के साथ सब चलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट लाइनर लिया है, लाइनर लगा लेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड साइड कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो ऐसा बिगनर्स है कि यार जिसको नहीं आ रहा तो वो सेम एज इट इज़ जैसे मैंने टाइम लिया है वो उतनी सी ही थोड़ी सी देर में प्रॉपर मेकअप कर लोगे। सॉफ्ट सर्कुलर मैंने लिया है ब्रश अगेन, मैं उससे नाउ आई एम फाइंडिंग वेयर इज माय मास्कर लिया है, वहाँ थोड़ा सा मुझे मैं ले नहीं रहा है। लाइटेस्ट ब्राउन जो हमने वॉर्म लिया था वो ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हो आप। बहुत क्लियरली लगाइएगा, ज़्यादा नहीं लगाइएगा अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा लगा के एंड से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँ सर्कुलर ब्रश से, तो इट इज़ लाइक फाइन। अगैन मस्करा हम अवर्ड्स भी लगाएंगे, डाउनवर्ड्स भी लगाएंगे, फिर अवर्ड्स लगाएंगे। कैन यू सी दी वॉल्यूम, लाइक इतना अच्छा वॉल्यूम आता है इस लाइनर से, जस्ट इन अ सेकेंड इतना प्यारा वॉल्यूम है इसका। एंड आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माई एरिया। अब आता है ब्लश, मैंने पाउडर वाला जो ब्रश होता है फ्लफी ब्रशेस उससे लगाया है मैंने, स्माइल कर लूँ, और जो चीक वाला ओपन एरिया है वहाँ आप ब्लश लगा सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा फ्लैट लगाया है, अगर आपके पास इतने सारे ब्रशेस नहीं है तो आप उनसे भी हाइलाइटर लगा सकते हैं। जस्ट टू मेक श्योर जो जो एरिया आपको हाईलाइट करना है, आपका नोज पॉइंट, आपका लिप्स पॉइंट, आपका चीक पॉइंट। आई एम वेरी कंफर्टेबल अबाउट फैन ब्रश, इसलिए मैंने फ़ैन ब्रश यूज़ किया है। आप उससे भी कर सकते हैं, और कुछ ब्रशेज ना हो तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत क्लियरली मैंने बताया कि अगर आपके पास कुछ भी ब्रशेज नहीं है तो कैसे आप मेकअप कर सकते हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा तो वो आपको और हेल्प करेगी। Just to highlight my lips. I guess I am almost ready. तो चलते हैं final look पे। I hope ये look आपको पसंद आया होगा।